गुड आफ्टरनून एवरी वन एंड वेलकम टू दिस सेशन आई होप माई विद एंड वॉइस इज क्लियर क्या हम बढ़ें आगे बिल्कुल बढ़ते हैं तो रिविज़न का टाइम है वीकली रिविजन है टॉपिक वाइज हम रिविज़न करेंगे जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीक किए हैं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारे क्वेश्चन छूटे नहीं और आई होप आप लोग नोट्स बना रहे हैं डेली जो मैं आपको पी डी एफ प्रोवाइड करती हूँ इनकेस नहीं मिल रहा है पी डी एफ तो कृपया मुझे मैसेज करके बताएं ठीक है तो जब तक आप मुझसे बातचीत नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा आपको क्या समस्या है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हमारे सेशन में क्या है तो एक सेकेंड आई थिंक मैंने गलत पीपीटी खोल दी है थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए जरा कुछ सेकेंड दीजिए जरा पीपीटी चेंज कर ली जाए ठीक है तो जानकारी के लिए बता देती हूं तब तक मैं आप लोगों को कि चैनल का नाम है बाबा है मेरा नाम मीनम है और आप मुझसे और चैनल से जुड़ सकते हैं रोजाना मंडे टू सैटरडे ठीक है कुछ सेकंड्स और और फिर हम अपना सेशन स्टार्ट कर लेते हैं यस ठीक है मिल गई पीपीटी और आगे बढ़ते हैं तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है नेशनल न्यूज ठीक है और नेशनल न्यूज से रिलेटेड हमारे पास क्या, क्या क्वेश्चंस हैं जरा उन तक पहुंच जाएं चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो जरा

चलिए आगे बढ़ते हैं तो तमिलनाडु का अरितपति विलेज जो कि मदुराई में है इसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च आमलिन फुल फॉर्म याद रखना है एनीमिया मुक्त लाख्य अभियान रिसेंटली <coughs> प्रोग्राम रिसेंटली निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में आमलिन अनिमिया मुक्त अभियान का कार्यक्रम शुरू किया है गुजरात महाराष्ट्र उड़ीसा आंध्रा या फिर केरला चलो तो फटाफट क्वेश्चन पढ़ो आंसर लगाओ और अपना स्कोर और स्पीड चेक करो सी इट्स उड़ीसा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वाइट किया है किस देश के राष्ट्रपति को चीफ चीफ गेस्ट के तौर पे रिपब्लिक डे परेड 2023 का तो दो साल के बाद किसी को बुलाया जा रहा है लास्ट ईयर बोरिस जॉनसन को आना था पर कोविड के चलते नहीं आ पाए तो यूएस इजराइल इजिप्ट रशिया या फ्रांस येस वेरी गुड इट्स इजिप्ट ठीक है तो इजिप्ट के राष्ट्रपति आने वाले हैं नाम है उनका अब्दुल फतेह इल -सी -सी. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन Which ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल हैव फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्ट facility ऑफ द कंट्री बाय स्काई रूट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा देश की पहली एकीकृत रॉकेट डिजाइन निर्माण और प्रशिक्षण सुविधा होगी महाराष्ट्र तमिलनाडु गुजरात आंध्रा या तेलंगाना इसका राइट आंसर है ये वेरी गुड इट इज तेलंगाना चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है कौन सा सिटी ये तो पता ही है आपको भारत होस्ट कर रहा है जी ट्वेंटी एक दिसंबर से स्टार्ट हो गई है भारत के जो होस्टिंग राइट्स हैं तो आ, कौन सा सिटी होस्ट करेगा जी ट्वेंटी का पहला शेरपा मीटिंग चार से सात दिसंबर के दौरान यानी अभी भी चल रहा है ये तो बैंगलुरु नई दिल्ली उदयपुर अहमदाबाद या फिर मुंबई जी हाँ बिल्कुल ये है आपका सी इट्स उदयपुर ठीक चलो आगे बढ़ो तो उदयपुर में हो रहा है ये दरबार हॉल सिटी पैलेस उदयपुर शेरपा मीटिंग भारत के शेरपा कौन है अमिताभ कांत ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो किस सिटी को कौन सा सिटी होस्ट कर रहा है वो शेरपा वाला था यह है जी ट्वेंटी फिनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स वाली मीटिंग को फरवरी 2023 में तो बैंगलुरु नई दिल्ली चेन्नई अहमदाबाद या मुंबई तो देख लेना कौन सा वाला पूछा है तो फिनेंस मिनिस्टर वाला कौन सी सिटी कर रहा है होस्ट यस वेरी गुड नदीम इट्स बैंगलुरु ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो हजार तेईस और तो गाइज हाल ही में मोदी जी ने इसका लोगो अनवील किया था आपने देख लिया था सेवन पेटल सेवन सीज को रिप्रेजेंट करते हैं और बस एक चीज और एक लाइन में और देख लो इसका थीम कुटुंबकम वन 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 अर्थ फैमिली फ्यूचर ठीक है नेक्स्ट ईयर ब्राजील में होना है लास्ट ईयर इंडोनेशिया में हुआ है और अभी भारत होस्ट कर रहा है और अगला क्वेश्चन पढ़िए फूड सेफ्टी और फूड सेफ्टी uh, uh, और स्टैंडर्ड अथॉरिटी जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कहते हैं हाल ही में किस एनिमल को या जानवर को अप्रूव किया है खाद्य पशु या फूड एनिमल के रूप में हिमालयन मास्कडियर हिमालयन याक ब्लैकबियर हिमालयन हिमालयन सिरो हिमालयन कैट बोलो अरे वाह वेरी गुड आंसर आ गए द राइट आंसर इज बी इट्स हिमालयन याक ठीक है गुड आफ्टरनून हुसैन आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट किस राज्य का है यूपी गुजरात राजस्थान बिहार या उत्तराखंड चलिए यह है बिहार सरकार का ठीक है तो हर घर गंगा जल तो ये कोशिश की जा रही है हर घर में टैप वाटर के थ्रू गंगा जल प्रोवाइड किया जाए जिस एरिया में अवेलेबल है ठीक है ना चलिए यूनियन मिनिस्टर हैं कौन से डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने इनाग्रेट किया है कि एनिमल क्वारंटीन सर्टिफिकेशन सर्विस पशु प्रमाण सेवा का उद्घाटन किया है किस शहर में बेंगलुरु नई दिल्ली गुवाहाटी अहमदाबाद या मुंबई देखो ज़रा चलिए देखते हैं तो ये है शहर ए इट्स इंगलुरु ठीक है चलिए बढ़िया आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौदवा फोर्टींथ एडिशन एरो इंडिया का कौन से सिटी में हो रहा है ठीक है बैंगलुरु न्यू दिल्ली हैदराबाद अहमदाबाद या मुंबई एरो इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट स्पीड बनाए रखिए हा चलिए द राइट आंसर इज ए इट्स बैंगलुरु ठीक है आओ नेक्स्ट क्वेश्चन किस स्टेट के सीएम ने हाल ही में इनोग्रेट किया है सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क या औद्योगिक पार्क महाराष्ट्र तमिलनाडु गुजरात आंध्र या केरला सिप कॉट इंडस्ट्रियल पार्क है तमिलनाडु में ठीक है तमिलनाडु के सीएम ने किया है ठीक फिर आते हैं किसने इनोग्रेट किया है आर ई सी सी एस आर इनिशिएटिव फॉर प्रिक्योरमेंट ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ टेन मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स भोजपुर बिहार में तो भोजपुर बिहार में दस मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की खरीद संचालन और रख रखाव के लिए आरई सी की सी एस आर पहल का उद्घाटन किसने किया नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जितेंद्र सिंह आर के सिंह या फिर अमित शाह जी हां यह है आर के सिंह ठीक है चलो बढ़ो आगे अगला क्वेश्चन तो एटी क्वेश्चन एक टाइम लिमिट ने जल्द से जल्द हमें करने हैं तो स्पीड बढ़ाइए नज़र दौड़ाइए और आंसर दीजिए सातवां एडिशन सेवंथ एडिशन ग्लोबल टेक्नोलॉजी समित नई दिल्ली में हुआ किसने इसको संबोधित किया या एड्रेस किया मोदी जी ने राजनाथ सिंह अमित शाह अजित दुआल एस जयशंकर ठीक है यस वेरी गुड किंग इट इज़ एस जयशंकर ठीक है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आओ आगे, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट ठीक है तीन दिन का आयोजन है थीम देख लो जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी पहली बार 2016 में हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन के के चेयरमैन जो कि अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं मनोज कुमार ने इनोग्रेट किया है अनावरण किया है रीहा प्रोजेक्ट का बाय खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ठीक है किस डिस्ट्रिक्ट में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस जिले में इसका अनावरण किया गया है मलापुरम इंदौर रामपुर नैनीताल अमरावती यस yes, वेरी गुड इट इज डी इन नैनीताल ठीक है आओ नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम रोजाना मंडे टू सैटरडे की आठ बजे वाली जो क्लास है ये सब हमने ब्रीफली डिस्कस किया और इसीलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि जब आप वीकली करें तो इतना जरूरत ना पड़े तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट टू पास द फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है त्रिपुरा सिक्किम असम अरुणाचल या मेघालय हाँ जी बिल्कुल सही ये है ई इट्स मेघालय ठीक है चलिए बढ़िए आगे बढ़िए एक और क्वेश्चन स्टैटिक का है हॉर्नबिल फेस्टिवल का कौन सा एडिशन या संस्करण हाल ही में नागा हेरिटेज विलेज की सामान नागालैंड में शुरू हुआ है बीसवां इक्कीसवां ट्वेंटी सेकेंड ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ <laughs> चलो तो ये तो सबको याद है हॉर्नबिल नागालैंड का एडिशन में ही तो दिक्कत है डी इट्स ट्वेंटी थर्ड ठीक है चलिए ट्वेंटी थर्ड एडिशन है ठीक है एक दिसंबर से दस दिसंबर तक सेलिब्रेट हो रहा है आओ फिर एक और फेस्टिवल है इंटरनेशनल लुसोफोन फेस्टिवल तीन से छः तारीख को कौन सा स्टेट आयोजित कर रहा है महाराष्ट्र तमिलनाडु गोवा आंध्र प्रदेश या केरला हाँ जी बिल्कुल सही यह है गोवा आओ बढ़ो आगे गोवा में हो रहा है ठीक है तो अगला सवाल क्या है किसने इनोग्रेट किया है फिफ्टी नाइन्थ पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली और एसोसिएटेड मीटिंग को नई दिल्ली में ठीक है एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा और और संबंध बैठक का उद्घाटन किसने किया है अनुराग ठाकुर पीयूष गोयल जितेंद्र सिंह सुरेश प्रभु या अमित शाह तो ब्रॉडकास्टिंग है तो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ही होंगे अनुराग ठाकुर ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन चलो इसका आंसर सब लोग दो आप तो याद हो गया होगा तीन वर्ड्स हमें याद करने हैं तो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है तीन वर्ड हमें याद करने तो मेरियम वाला कौन सा वर्ड है बताओ होम गैस लाइटिंग लॉकडाउन या वॉर यस बिल्कुल सही इट्स इट्स गैस लाइटनिंग तो एक वर्ड हमें याद हो करना है पहला मेरियम वेबस्टर ने कौन किसको किया है गैस लाइटनिंग को फिर पर्मा क्राइसिस दूसरा वर्ड है ये किसने डिक्लेयर किया है कॉलेंस डिक्शनरी ने और तीसरा वर्ड है होमर ये किसने डिक्लेयर किया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने तो ये तीन वर्ड हमें याद रखने हैं ठीक चलो अगला सवाल निरोगी हरियाणा प्रोजेक्ट हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टेट में लॉन्च किया है तो इसका जो इनिशियल फेज है प्रारंभिक चरण है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में या जिले में शुरू हुआ है फरीदाबाद गुरुग्राम अंबाला भिवानी पंचकुला तो ये है ई इट्स पंचकुला ठीक है आ जाते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय समाचारों से संबंधित जो क्वेश्चन हमने किए हैं शुरू करें एक एक आओ तो रेलवे बन गया है मेजर एक्सपोर्टर वंदे भारत ट्रेन का किस मार्केट को यूरोप साउथ अमेरिका और ईस्ट एशिया ठीक है तो इस मार्केट को बन जाएगा मेजर एक्सपोर्टर किस वर्ष तक आपको बताना है ठीक है तो निर्यातक बन जाएगा इन मार्केट्स में वंदे मार्केट वंदे भारत ट्रेन प्रोवाइड करेगा 24-25 तक 25-26, 26-27, 27-28 से 28 उन्तीस तो इसका जवाब है बी ऑप्शन 25-26 ये मेजर एक्सपोर्टर हो जाएगा वंदे भारत ट्रेन का फिर आते हैं किस कंट्री ने जीता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन वाइस प्रेसिडेंसी और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड की चेयर 2023 25 की इंडिया रशिया जापान यूएस या चाइना जी हां भारत इंडिया को मिलिया है चेयर देख लेना किस किस को तो आज के सेशन में ही हमारे पास दो से तीन होंगे एक तो हमने अभी जी ट्वेंटी की चेयरमैनशिप हमें मिली है फिर ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कमीशन दूसरी अभी एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी चेयर इंडिया को मिला है ठीक है तो वाइस प्रेसिडेंसी मिला है ठीक है याद रखिएगा कौन सा कंट्री बन गया है टॉप सप्लायर फर्टिलाइजर का भारत को पहले हाफ बाईस तेईस के दौरान ठीक है यानी पिछ जो शुरुआती हाफ है शुरुआती छह महीने के दौरान का जो डेटा आया है उसके अनुसार ऑस्ट्रेलिया रशिया जापान यूएस या चाइना तो ऑयल के बाद अब टॉप सप्लायर बन गया है रशिया फर्टिलाइजर्स का हमको ठीक है आओ नेक्स्ट क्वेश्चन चौबीस क्वेश्चन कर लिए हमने है ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव बॉल जिसे आप सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे व्हाट इज द नेम हवाईज मोनालाओ इरप्ट हुआ है पहली बार 40 सालों में इन ऑलमोस्ट 40 इयर्स तो ये किस स्टेट में हवाई इज द स्टेट ऑफ विच कंट्री ठीक है तो हवाई में हुआ है ये किस देश का एक स्टेट है मालदीव ऑस्ट्रेलिया यूएस जापान साउथ कोरिया ये है यूएसए का एक स्टेट ठीक है मोना लाओ लुआ हा तो सुंदर पचई को मिल गया क्या पद्म भूषण ठीक है चलिए न्यूज फ्लैश हो रहा था इसलिए मैंने बताया तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है और रिकमेंड किया है ग्रेट बैरियर रीफ को अपने लिस्ट में कौन सी लिस्ट में ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि डेंजर में है आपको बताना है ये कौन से देश में है ऑस्ट्रेलिया रशिया जापान यूएस या चाइना तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर की लिस्ट में शामिल हुआ है ये हाँ जी बिल्कुल ये है यूएसए माफ़ कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया नॉट यूएस से ऑस्ट्रेलिया ठीक है आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैंने कहा था एक क्वेश्चन और मिलने वाला है हमें तो किस कंट्री ने अज्यूम करी है चेयरमैनशिप प्लेनरी ऑफ वासेनार अरेंजमेंट एक साल के लिए जनवरी 2023 तो वासेनार की एक साल की चेयरमैनशिप भी मिली है अब समझ गए ही हो गए इंडिया मालदीव भूटान मॉरिशस श्रीलंका तो ये एक जनवरी 2023 से शुरू हो रही है इंडिया को ठीक है चलिए आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स की तरफ देखते हैं हमने कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स डिस्कस किए हैं चलो वन बाय वन शुरू कर दो कौन बना है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर हौन बनानी कौन तो बता दिया अनवर इब्राहिम बने हैं प्राइम मिनिस्टर किस देश के मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री तंजानिया, बांग्लादेश ओमान सिंगापुर मलेशिया तो काफी जद्दोजहद के बाद ये बन गए हैं फाइनली प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के ठीक है चलिए दसवें प्रधानमंत्री बने ही, देख लीजिएगा फिर मित्र अंबेसडर किसे बनाया गया है एम के हुला दीपा मलिक अवनी लखेरा देवेंद्र झाझरिया बिक्रम सिंह मलिक बेटा इट्स नॉट मलेशिया इट्स म्यांमार चेक करो लिस्ट में म्यांमार है ईरान है और, और नॉर्थ कोरिया है और निकारागोआ और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट हटा दिया गया है ठीक है चेक करो अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर बी इट्स दीपा मलिक ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन किसे अपॉइंट किया गया है थिरंगिया स्टेट क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी प्रेसिडेंट जर्मनी में अपॉइंट किया गया है यहाँ पे तो पहला भारतीय मूल का जर्मन है ये गुरदीप सिंह रंधावा हरवंत सिंह एलेग्जांडर प्रद्यके प्रद्य अभिजीत गुप्ता ए चिदम्बरम ठीक है मी चलो देखते हैं इट्स ए गुरदीप सिंह रंधावा ठीक है कौन बन गया है पहला वेमेन प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का और बिकॉज ये अलोन कैंडिडेट थी इस पोस्ट के लिए 10 दिसंबर का जो इलेक्शन हुआ है उसके लिए ठीक है तो इनको बना दिया गया है पहली महिला प्रेसिडेंट आईओए का और वेल डिजर्विंग है ये कर्नम मल्लेश्वरी पी टी ऊषा चंद नचप्पा या रीत एब्राहम जी हाँ बिल्कुल पी टी तो इन्हें बना दिया गया है आई ओ ए का पहला वेमेन प्रेसिडेंट ठीक है चलिए तो ब्रांड एम्बेसडर मारिको सफोला फिटिफाई का कौन बन गया है जानवी कपूर सोनम कपूर सनी लियोनी कटरीना कैफ सोनाक्षी सिन्हा सेशन को रिफ्रेश भी कर लीजिएगा तो सही जवाब ए इट्स जानवी कपूर ठीक है चलिए चलिए बढ़िया आगे फॉरेन सेक्रेटरी रीअपॉइंट कौन हुआ है अभी सुबह मैंने पूरा लिस्ट दिया था ना चलो तो ये लिस्ट याद कर लो ये तो मिलना ही है आपको संजय मल्होत्रा राजीव गौबा प्रमोद कुमार मिश्रा विनय मोहन कवात्रा अजय कुमार भल्ला तो नदीम किंग एंड बद्री भी आ गए हैं हुसैन चलो देखते हैं व्हाट इज द राइट आंसर फॉरेन सेक्रेटरी कहाँ गए विनय मोहन कवात्रा दोबारा से रीअपॉइंट हुए इससे पहले इन्होंने रिप्लेस किया था हर्षवर्धन श्रृंगला को ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किसे बनाया गया है प्रेसिडेंट अध्यक्ष एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ते, बाईस तेईस के लिए अभिषेक भी प्रशांत कुमार आर वेंकट रमनी मुकुल राहोत की हरीश सालवे तो यह है बी इट्स प्रशांत कुमार ठीक है चलो फिर आते हैं किसने शपथ ली है ऑफिस और सीक्रेसी की एज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर के रूप में नई दिल्ली में अजीत जोगी प्रीति सुदान वी बाला संजय खन्ना आर के गुप्ता तब यूपीएससी के चेयरमैन तो जानते ही हैं कौन मनोज सोनी ठीक है नाम याद रखना है क्योंकि इसी साल अपॉइंटमेंट हुआ है और इसका राइट आंसर है बी प्रीति सुदान इट्स प्रीति सुदान ठीक है प्रीति सुदान को बनाया गया है मेंबर की बात हो रही है हाँ फिर किसे अपॉइंट किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन प्रसून जोशी सलमान खान जितेंद्र या फिर अजय देवगन चलो द राइट आंसर इज बी इट्स प्रसून जोशी ठीक है डायरेक्टर हैं सभी जानते हैं इनको हम्म आ जाओ अब इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दो सुबह भी हमने बात की थी ना अब तो याद हो गया होगा तो मैच कर लो जरा रेवेन्यू सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी फिनेंस सेक्रेटरी टी वी सोमनाथन विनय मोहन कवात्रा अजय कुमार भल्ला राजीव गौबा संजीव मल्होत्रा हाँ जी ये है आंसर डी डी बोले तो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं आपके संजय मल्होत्रा ठीक है फॉरेन uh, सेक्रेटरी अभी हमने पढ़ा विनय मोहन कवात्रा कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करें तो राजीव गौबा है एक सेकेंड हाँ ये रहे, राजीव गौबा और होम सेक्रेटरी की अगर हम बात करें तो है अजय कुमार भल्ला और कौन बचा फाइनेंस सेक्रेटरी तो ये है टी वी सोमनाथन ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन किसी अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी में विनय मोहन कवात्रा आरमानी गिरधर टी वी सोमनाथन अजय कुमार भल्ला संजय कुमार तो अभी एक ही ऑप्शन बच रहा है और वही आंसर है क्योंकि बाकी सब तो मैंने अभी बता दिया आपको है ना हां जी संजय कुमार बच रहे हैं और यही आंसर है तो बैंकिंग की क्वेश्चंस ले लेते हैं जो हमने इस बार डिस्कस किए हैं ठीक है तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है इन क्वेश्चंस को देखने के लिए बट इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आते हैं है है ना तो आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही है, और लगे रही है, और रहिए क्वेश्चन को पढ़िए hmm, क्या पूछा मेंसन एज फिफ्टीन परसेंटेज ड्यूरिंग जुलाई सेप्टेम्बर फ्रॉम नाइन पॉइंट सोलवे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर जुलाई सितंबर के दौरान 9.8% प्रतिशत से घटकर कितने प्रतिशत हो गई है 9.0, दशमलव शून्य आठ दशमलव आठ आठ दशमलव पाँच सात दशमलव दो या सात दशमलव शून्य ओफ कितना बड़ा क्वेश्चन और इसका आंसर है छोटा सा जो कि है डी सेवन पॉइंट टू यस तो थोड़ा सा ना डेटा वाला ध्यान रखा करो ठीक है और एग्जाम के एक दो दिन पहले का ही डेटा कंसिडर किया करो चाहे कहीं से नोट डाउन किया हो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी सेट टू एक्वायर इंडिया का लार्जेस्ट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनी बिस्लरी को कौन एक्वायर करने वाला है छ हजार से सात हजार करोड़ की डील में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर अमूल ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज या नेस्ले इट्स टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ये वेरी गुड बद्री आगे बढ़े तो फिर अगला एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास किस बैंक ने लॉन्च किया है एक स्टीकर बेस्ड डेबिट कार्ड जिसका नाम है फर्स्ट एप फेडरल बैंक एक्सिस बैंक येस बैंक एच डी एफ सी बैंक आई डी एफ सी फोर्स्ट बैंक येस इट इज फोर्स्ट बैंक विच इज आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक का हाँ यार ये रहा ई वाला आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक ठीक चलो एक और डेटा टाइप्स क्वेश्चन एस एन पी में एस एन पी स्टैंडर्ड एंड पोअर्स ग्लोबल रेटिंग प्रोवाइड करती है इसने इंडिया का जी डी पी को डाउन कर दिया है सेवन पॉइंट थ्री से कितना कर दिया है हाँ ये पूछा है सेवन पॉइंट थ्री से कम करके कितना किया है 7.2, 6.2, 6.8, 6.6, 7.0. सिक्स एट सिक्स सेवन आओ देखें. गुड आफ्टरनून आंसर इज सेवन तो सात दशमलव तीन से सात कर दिया है हाँ चलो तो ये कुछ रेटिंग्स हैं. देख लीजिएगा. बट अगेन बार बार कहती हूँ एग्जाम के एक से दो दिन पहले फ्रेश डेटा निकाल के चेक करिएगा ठीक है आओ सिंगापुर एयरलाइन और टाटा सन्स ने अग्री किया है कि वो मर्ज करेंगे एयर इंडिया और विस्तरा को विस्तरा सिंगापुर का है एयरलाइंस का है किस साल तक तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस तो टाटा याद है टाटा सन्स ने एयर इंडिया को एक्वायर किया था ठीक है एटीन ट्रिपल ज़ीरो करोड़ की डील में अप्रॉक्सीमेटली और अभी एक और डील करने जा रहा है और इसका सही आंसर है बी विच इज़ टू जीरो टू फोर वेरी गुड हाँ चलो अब एक और क्वेश्चन सेबी सेबी ने सेटअप किया है हाई लेवल पैनल रिव्यू करने के लिए टेक ओवर नॉर्म्स एक मूव में ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके और स्ट्रेंथन किया जा सके जो करंट रूल्स हैं एडॉप्ट करके अप्रोप्रिएट ग्लोबल प्रैक्टिसेस ठीक है इस पैनल को हेड कौन करेगा तो सेबी ने उचित वैश्विक प्रथाओं को अपनाकर मौजूदा नियमों को सरल और मजबूत करने के लिए एक कमिटी बनाई है उसके अध्यक्ष कौन है निधि खत्री सुनील वाजपेयी संजय अग्रवाल एम एस साहू एस जे वजीफतार तो क्या लगाए हो सब लोग आइए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं द राइट आंसर इज ई शिवाक्स जल वजीफदार नेक्स्ट क्वेश्चन तो किस बैंक ने साइन किया है एक शेयर परचेज अग्रीमेंट जेसी फ्लावर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ अक्वायर करने के लिए 9.9 परसेंट स्टेक एआरसी में 11.53 पॉइंट माफ कीजिएगा 11.43 पॉइंट पर शेयर के आ, के अनुसार से ठीक है फेडरल बैंक एक्सिस बैंक येस बैंक एच डी एफ सी या आई डी एफ सी बस कुछ सेकेंड और और इसका आंसर जो कि है सी येस बैंक सुबह ही पढ़ा था हमने हाँ एटी क्वेश्चन है तो आधे तो हो गए हैं हमारे पास हाँ प्रवासन और विकास संक्षिप्त के अनुसार किस वर्ष भारत में प्रेषण प्रवाह 12 प्रतिशत बढ़कर 100 अरब डॉलर होने की भविष्यवाणी की गई है 22, 23, 24, 25, 26. जी हाँ 2022 हजार बाईस वेरी गुड ठीक है तो नंबर वन पे भारत है इसमें रेमिटांस में और रेमिटांस फ्लो में और भारत की जाते हैं अवार्ड्स तो इस हफ्ते हमने कई अवार्ड्स डिस्कस किए जिन पे हम नजर दौड़ाएंगे तो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड दिया गया है इस बार और ये किस फील्ड में दिया जाता है एजुकेशन शिक्षा हेल्थ स्वास्थ्य रिन्यूएबल सेक्टर नवीकरणीय क्षेत्र डेरी बैंकिंग या फिर बैंकिंग हाँ लास्ट ईयर इतना था नेशनल गोपाल रत्न ये दिया जाता है डेरी सेक्टर में आपको मेन ये याद रखना है ठीक है फिर है केम्पू के, राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है पेरुम आ, आ, पेरुमल मुर्गन वी अनमलाई इंदिरा पार्थसारथी चारू निवेदिता सी एस लक्ष्मी तो देखो देखो क्या है इसका आंसर तो स्पीड भी चेक करिए इसी बहाने आपकी स्पीड चेक होती है बिकॉज अब सेक्शनल टाइमिंग भी आपको निकालना होता है है ना और सही जवाब बी वी आना मलाई ठीक है चलो बढ़ो आगे तो इसी से याद आया के वी की वैकेंसीज आई हैं ठीक है टी जी टी पी जी टी वाली तो आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी वैकेंसीज हैं बी एड वी एड किया है आप लोगों में से किसी ने तो ज़रा देख लीजिएगा और भर दीजिएगा आओ हैज बीन अवारेड पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है देवेंद्र झांझरिया भावना पटेल सिंगराज आधाना अधान, दीपा मलिक अवनी लखेरा तो प्यारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर वेल डिजर्विंग है काफी इन्होंने मेडल्स वगैरह लाए हैं अवनी लखेरा कोई बताएगा किस स्पोर्टिंग इवेंट से जुड़ी हुई है अवनी बिकॉज क्वेश्चन ये मिलता है आपको तो कौन बता रहा है किस स्पोर्टिंग इवेंट से जुड़ी है अवनी तो किसने जीता है गोल्ड अवार्ड नेशनल अवार्ड ई गवर्नेंस किस कैटेगरी में एक्सलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है सरकारी प्रक्रिया री इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता श्रेणी के लिए के तहत ई e गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का स्वर्ण पुरस्कार किसने जीता है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट पर्यावरण और वन मंत्रालय हाउसिंग और अर्बन आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पंचायत राज मंत्रालय तो ये है ई e, इट्स पंचायती राज मंत्रालय ठीक है चलो यस yes, नदीम वेरी गुड वो शूटिंग से रिलेटेड है तो गोल्ड लेकर आई थी कॉमनवेल्थ गेम्स में ठीक है और काफी अभी इवेंट्स जो हैं उनमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका और अगला सवाल किसे दिया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ऑनट्रप्रिनोरियल ऑन्ट्रप्रिनोरियल विजन कैटेगरी में पूर्णिमा देवी बर्मन बायोलॉजिस्ट हैं ये और ब्रजेश कुमार उपाध्याय सैफ अहमद एन एन कलेसवी ए सुमेर वाला जी हां ये हैं पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है चलो तो बायोलॉजिस्ट हैं, जैसा मैंने कहा भारतीय वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं ये। एक और अवार्ड, तो किस मिनिस्ट्री ने जीता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन? टूवर्ड्स पब्लिक कम्युनिकेशन और आउटरीच अवार्ड जो अभी फोर्टी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान दिल्ली में हो रहा था ठीक है सार्वजनिक संचार और आउटरीच के लिए उत्कृष्ट योगदान का पुरस्कार सांस्कृतिक मंत्रालय कल्चर देन एनवायरमेंट और फॉरेस्ट पर्यावरण वन मंत्रालय हाउसिंग और अर्बन आवासीय और शहरी मामलों का मंत्रालय एजुकेशन शिक्षा हेल्थ स्वास्थ्य तो जो लोग अभी अभी आए हैं गुराफ सनून एवरी तो लाइव चल रहे हैं हम लोग और रिवीजन हो रहा है हमारा वी के क्वेश्चन का एटी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर है ई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यस अगला क्वेश्चन तो अवार्ड्स आज हमारे पास ज्यादा है तो ईरानी फिल्म नर्गसी को दिया गया है आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल फिफ्टी थर्ड एडिशन इफी जो कि गोवा में आयोजित हुआ है इसके डायरेक्टर कौन है ईरानियन तो मूवी नर्गसी याद रखना पयम स्का एंगली एलेक्सेंड्रो अमीनबार असगार फरीदी अल्फांजो कुरियान कारोन तो भाई ईरानियन नाम होना चाहिए है ना और जो कि पहला है पायाम इस्कानदरी ठीक है तो ईरान भी कई रीजन से न्यूज़ में बना हुआ है जानते हैं अपने कुछ कंजर्वेटिव राइट्स के चलते हुए जहाँ पे एक लेडी की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से इसके अलावा फीफा में आपने देखा होगा टीम ने किस तरह से कह लीजिए बॉयकॉट किया था एक नेशनल सेरेमनी जो थी उसको मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगी जानते हैं आप चलिए आगे बढ़ते हैं हुए शिल्प गुरु एंड नैशनल फॉर सत्रह अठारह और उन्नीस एट अ फंक्शन इन न्यू डेली नई दिल्ली में एक समारोह में मास्टर शिल्पकारों को सत्रह अठारह उन्नीस के लिए शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया है मोदी जी अमित शाह राजनाथ सिंह द्रौपदी मुर्मू या जगदीप धनकर जी हां तो ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने दिया है जगदीप धनकर ठीक है अगला सवाल किसने जीता है अवार्ड ठीक है कौन सा एक्सेलेंस आर्ट यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन ठीक है सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जहांगीर आर्ट गैलरी गेट ऑफ इंडिया भाऊ दाजी लाड म्यूजियम रीगल सिनेमा जी हाँ छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ठीक है आज और डिफेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास उनको भी देख लेते हैं अब ये तो भाई एकदम रट गया होगा क्या रॉयल ओमान की नेवी और भारतीय नेवी ने मिलकर किया है नसीम अल बहार ओमान में कौन सा एडिशन बताओ दसवां ग्यारहवां बारवां तेरवा चौदवा यही तो नहीं डटा है ना इसीलिए पूछा है हमने नसीम बहार तो ये है डी तेरवा एडिशन है ठीक है और ये कुछ और आपकी एक्सरसाइजेस हैं जो आप देखेंगे फिर अस्त्र हिंद ऑस्ट्रेलियन आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में हुआ है कहां हुआ है आपको बताना है किस फील्ड फायरिंग रेंज में नेत्रहात फील्ड फायरिंग रेंज महाजन बाबिना पोखरन या चंदन किस फायरिंग रेंज में हुआ है यह आयोजित सही जवाब महाजन फील्ड फायरिंग रेंज ठीक है चलो तो राजस्थान में हो रहा है ठीक है फिर भारतीय नेवी ने एक नया सर्वे वेसल कटुपल्ली चेन्नई को हाल ही में लॉन्च किया है क्या नाम है इस वेसल का इस युद्ध इस पोत का ठीक है रक्षक विष्णु नाग इक्षक या सहारा तो सर्वे वेसल है सर्वेक्षण पोत जिसे कहेंगे तो सर्वे कर रहा है तो नाम से कुछ कुछ पता चलेगा इट्स डी इट्स इक्षक ठीक है नाम है इसका का मतलब ही होता है गाइड ठीक है और इसे बनाया किसने गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने चलो अगला क्वेश्चन एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच हो रही है पुलाई क्लांग मलेशिया में एक्सरसाइज का नाम बताओ युद्धाभ्यास हैंड हरिमायु शक्ति कोबरा वॉरियर या शक्ति हाँ जी हरिमायु शक्ति ठीक मड़ो आगे मलेशिया में हो रहा है हाँ फिर है किस कंपनी ने सेटअप किया है इंडिया का पहला प्राइवेट पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा ने एरोस्पेस अग्निकुल कॉस्मोस स्काई रूट ध्रुव स्पेस एरोस्पेस जुकोस्की एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हां जी ये है अग्निकुल कॉस्मोस ठीक है आओ एक और क्वेश्चन सुबह ही बताया था मैंने कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एम के थ्री के बारे में आई सी जी ये जो हेलीकॉप्टर है इसे कमीशन चेन्नई में किया गया है इसे मैन्युफैक्चर भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया है टोटल चार हेलीकॉप्टर्स या एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड में तो वी एस पठानिया ने ये अनाउंसमेंट किया है हाल ही में और इसका आंसर आपको बताना है ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री ओनली वन एंड टू बोथ टू एंड थ्री तो मैंने जैसा बताया था पहला वाला सही है इसे चेन्नई में कमीशन किया जाएगा आ, भारत हेवी की जगह हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है तो सेकंड गलत और टोटल सोलह है ना कि चौदह ठीक है चलिए तो ओनली वन इज करेक्ट आगे बढ़ते हैं ओनली वन इज करेक्ट ठीक है फिर एनुअल ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज नाम क्या है समन्वय किस एयरफोर्स स्टेशन में हो रहा है अंबाला आगरा हिंडाना हसीमारा कलाईकुंडा आंसर ट्राई करिए भाई चलो देखें सही जवाब है आगरा एयरफोर्स स्टेशन में समन्वय ठीक है मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज है ये चीफ गेस्ट थे राजनाथ सिंह चलो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक स्पोर्ट्स तो उस पुरुष खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने पांच वर्ल्ड कप में स्कोर किया है ठीक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेनियल मेसी करीम बेंजेमा सर्जियो रामोस हैरी मिगोयर तो सुना कतर चाह रही है कि इनको खरीद लिया जाए है ना चलिए देखते हैं द राइट आंसर इज ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ठीक है सभी जानते हैं इनको नेक्स्ट क्वेश्चन किसने चौतीसवा अंडर थर्टी नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है बॉयज कैटेगरी में अरविंद चिदंबरम अखिल रेड्डी बोबा तन्वी पत्री निशांत बुखिया या राहुल श्रीवास्तव ये है डी इट्स निशांत बुखिया ठीक है चलो फिर किस महिला टीम ने जीता है एदे ट्रॉफी कोलंबो श्रीलंका में मेड्रास बोट क्लब रॉयल मेड्रास यार्ड क्लब कोलकाता रोइंग क्लब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वुमेन्स बोट क्लब या कोलंबो बोट क्लब इट्स मेड्रास बोट क्लब ठीक है किसने जीता है आ कितने गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिया ने यूथ मेन्स और वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पेन में ला नुशिया स्पेन में एक दो तीन चार पांच आइए बात करें तो द राइट आंसर इज डी इट्स फोर गोल्ड ठीक है चलो अभी सुबह बताया था मैंने स्टेफनी फ्रेपेड बन गई हैं पहली महिला रेफरी मेंस फीफा वर्ल्ड कप की किस देश से आती हैं नेटिव कंट्री कौन सा है इनका फ्रांस रशिया यूके यूएस कनाडा तो तीन लोगों को चुना गया है रेफरी के तौर पे और ये पहली महिलाएं जिन्होंने जर्मनी और कौस्तरिका के मैच को रेफरी किया था ठीक है मैं रेफरी बनी थी अभी देखते हैं जरा एक बार चेक भी कर लेंगे हम ए इट्स फ्रांस ठीक है आगे बढ़ो तीन को किया गया है इनके अलावा स्टेफनी पहली बन गई है इनके साथ दो और हैं रवांडा की सलीमा मुकानसांगा और जापान की योशिमा या, यामाशेटा और जर्मनी और कौस्तरिका ग्रुप ई के मैच को रेफरी किया ये भी याद रखना है ठीक है चलो बुक्स एन ऑथर्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कोई बुक है, है हमारे पास हम्म एक है तो किस यूनियन मिनिस्टर ने रिलीज की बुक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे प्रिपेयर और पब्लिश किया है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने अनुराग ठाकुर पीयूष गोयल सर्वनंदा सोनोवाल धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह तो एक बुक तो आती ही आती है एग्जाम में और देखो जरा कौन सी बुक है <coughs> बुक तो हमें पता है किसने करा है द राइट आंसर इज डी विच इज धर्मेंद्र प्रधान ठीक है <coughs> तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और फिलहाल हमारे पास रैंक आ गई है ना तो देखते हैं कोई रैंक वैंक किया था हमने कि नहीं किया था हाँ किया था तो किस सिटी को या कौन सा सिटी बन गया है पहला इंडियन सिटी जिसे ऐड किया गया है ए लिस्ट में पांचवें एनुअल सिटीज रिपोर्ट जो कि पब्लिश कौन करता है सीडीपी नवंबर के दौरान हैदराबाद नई दिल्ली भुवनेश्वर चेन्नई मुंबई तो भारत से पहला है ये शहर कितने क्वेश्चंस बचे हैं सोचो 80 क्वेश्चंस करने थे 68 हो गए अब हफ्ते में अगर आप इतने क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेंगे तो भाई हर हफ्ता इतना करके अप्रोक्सीमेटली 300 क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा तो कैसे करंट में अच्छा स्कोर नहीं आएगा है ना आइए ई इट्स मुंबई ठीक बढ़ो आगे फिर किस इंस्टीट्यूट को या कहना चाहिए भारत का इकलौता इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसे लिस्ट किया गया है टॉप 50 की लिस्ट में कौन सी लिस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग कौन देता है ये टाइम्स हायर एजुकेशन तो इस लिस्ट में इकलौता भारतीय इंस्टीट्यूट जो टॉप 50 में लिस्ट हुआ है आईआईएससी आई आईआईटी सी मद्रास बॉम्बे या रुर्की अरे नदीम हो रहा है तुम्हारा कमेंट बिल्कुल शो हो रहा है चलिए तो नदीम लगातार आंसर कर रहे हैं वेरी गुड और सही कर रहे हैं एंड द राइट आंसर इज बी इट्स आई आई टी डेली ठीक है चलो तो फिफ्टी की रैंकिंग में इसको जगह मिली है जगह कितनी मिली है ट्वेंटी एट ठीक है फिर आई आई एस सी बैंगलुरु को फिफ्टी एट मिली यानी फिफ्टी से अब वाली रैंकिंग और बॉम्बे आई आई टी को मिली है सेवेंटी टू सात भारतीय इंस्टीट्यूट को इसमें रैंकिंग मिली है मैसेस्यूज को नंबर वन कैलिफोर्निया नंबर टू हार्वर्ड को नंबर तीन ठीक है इतना देख लेना चलो नाइट फ्रैंक रिपोर्ट जो कि रिलीज हुई है हाल ही में मुंबई को रैंक मिला है कितना प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स क्यू जुलाई सितंबर 2022 में 22, 36 38, 41, 42 तो चलिए जनाब देखें, इट्स ए ट्वेंटी सेकेंड हाँ जी ट्वेंटी सेकेंड रैंक है हाँ आइए डेथ्स की तरफ बढ़ते हैं हमने कुछ दे, कोई डेथ डिस्कस की हैं एक या दो उनको देख लेते हैं विक्रम गोखले सेवेंटी सेवन पे ही पास्ड अवे कौन थे वो लेखक राइटर राजनेता पॉलिटिशियन अभिनेता एक्टर सामाजिक कार्यकर्ता सोशल वर्कर फिल्म निदेशक डायरेक्टर तो काफी जाना माना चेहरा है है ना फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर रहे हैं और ही पास्ट अवे रिसेंटली कोमा में चले गए थे ठीक है चलिए विक्रम एस किर्लोस्कर भूलना नहीं है ये नाम 64 एज की आयु में ही पास्ट अवे वाइस चेयरमैन थे किस कंपनी के टोयोटा मोटर हंदई मोटर सुजुकी मोटर ग्रुप रेनॉल्ड स्कॉडा ऑटो जी हां इट्स टोयोटो मोटर्स टोयोटा मोटर्स ठीक है आए बस हमारा लास्ट सेक्शन जो कि हम बहुत जल्दी से करेंगे ठीक तो है डेज तो लक्षित लक्षित दिवस कब मनाते हैं 24 25 26 27 28 तो चेक करते जाइएगा ये होता है आपका ए 24 नवंबर को ठीक है फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं इंडिया में 26 नवंबर को हर साल और ये दर्शाता है अडोप्शन कॉन्स्टिट्यूशन का भारत का किस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि वो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएगा देखो ट्विस्ट 50 इक्यावन 2014 या 15 1950 1951 2000 2014 2015 फिफ्टीन यस तो ये डिसाइड जो किया गया था बहुत लेट किया गया था 2015 में कि कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हमें मनाना चाहिए फिर नेशनल मिल्क डे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस 28 <coughs> सही जवाब सी ट्वेंटी नवम्बर ठीक है रेड प्लैनेट डे लाल ग्रह दिवस 29 तीस छब्बीस 27 28 आओ देख लें इसी बात पे इट्स ई ट्वेंटी एट ठीक है फिर इंटरनेशनल जैगवार जैगवार जानते हैं ना लिपर्ट का भाई अंतरराष्ट्रीय जयगर दिवस उनतीस तीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस चलो देख लेते हैं इसको भी ये मनाते हैं ए ठीक है ट्वेंटी नाइन्थ नवम्बर ठीक है तो ये अप, इनके ना ये प्रिंट्स से आप इनको डिस्टिंग्विश कर दे सकते हैं सबसे बड़े प्रिंट्स इसी के होते हैं चलो नेशनल कैडेट कॉप्स कब क, दिवस कब मनाया माफ़ कीजिएगा नेशनल ना, कैडेट कॉप्स डे कब मनाया गया चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस चलिए चेक कर लीजिएगा डी इट्स सत्ताईस नवंबर ठीक है चलो वर्ल्ड एड्स डे सबको पता है भूलना ही नहीं पचास बार आ चुका है अच्छा हम इन्होंने बता भी दिया है क्योंकि आपको पता है एक दिसंबर पूछा थीम है थीम बताओ वर्किंग टुगेदर फॉर एन एड्स फ्री जनरेशन पुटिंग आर सेल्स टू द टेस्ट अचीविंग इक्विटी टू एन एच आई वी गेटिंग टू जीरो इक्वलाइज ठीक है द राइट आंसर इज ई इट्स इक्वलाइज ठीक है चलो बढ़ो आगे एंड नागालैंड का फाउंडेशन डे मनाया एक दिसंबर को ठीक है चलो हॉर्नबिल बिल अभी बताया था ना सेलिब्रेट हो रहा है तो कौन सा एडिशन है 55, 58, 68, 63, 78 तो अब एडिशन से थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, है ना तो सही जवाब है सी हाँ साठवा है, है हाँ तो गाइज अस्सी क्वेश्चन बिल्कुल टाइम पे हमने कंप्लीट कर लिए है ना और रिवीजन हो गया इसका पीडीएफ भी आपको दूंगी थोड़ी देर में गाइस अगर इनकेस आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है जिस जगह से भी आप मुझे मुझसे जुड़ते हैं तो कृपया मुझे मैसेज करके बताइए तब मुझे पता चलेगा तो मैं आपकी समस्या सुझा पाऊंगी ठीक है टेस्ट डॉट एम बीजेस बाबा डॉट कॉम वेबसाइट है विजिट करिए फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू मॉक टेस्ट रिलेटेड टू बैंक एस एस सी रेलवे एन अदर एग्जाम और कृपया सेशन को लाइक कर दीजिए शेयर करिए और रोज़ाना अटेंड करिए रेगुलर रहिए रिविजन करते रहिए और अभी मैंने कल आपको मंथली वन लाइनर दिया है तो फटाफट से उसका भी एक रिविजन करिए ठीक है तो ये एक प्रक्रिया है इसका अगर आप हिस्सा बने रहेंगे तो मेरा वादा है आपसे आपका करंट अफेयर्स की वजह से कोई एग्जाम रुकने वाला नहीं है तो अब मिलेंगे अगले सेशन में जो कि क्या है सुन लो केवी वी की वैकेंसीज हैं नोटिफिकेशन है काफ़ी वैकेंसीज़ हैं और uh, मैं भी देखती हूँ किस टाइम मैं फ्री होती हूँ तो मैं लगाती हूँ और आप देख लीजिएगा ठीक है नोटिफिकेशन तो मिलते हैं हमारे अगले सेशन में तब तक के लिए स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए अपना